हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में हम बात करते हैं काकोरी पराक्रम के नायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री मुरलीधर शाहजहांपुर नगर पालिका में कर्मचारी थे, पर आगे चलकर उन्होंने नौकरी छोड़कर निजी व्यापार शुरू कर दिया। रामप्रसाद जी बचपन से महर्षि दयानंद तथा आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। शिक्षा के साथ साथ वे यज्ञ, संध्या वंदन, प्रार्थना आदि भी नियमित रूप से करते थे। स्वामी दयानंद द्वारा विरचित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उनके मन में देश और धर्म के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगी। इसी बीच शाहजहांपुर आर्य समाज में स्वास्थ्य लाभ करने के लिए स्वामी सोमदेव नामक एक सन्यासी आए। युवक रामप्रसाद ने बड़ी लगन से उनकी सेवा की। उनके साथ वार्तालाप में रामप्रसाद को अनेक विषयों में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त हुई। रामप्रसाद जी बिस्मिल उपनाम से हिंदी तथा उर्दू में कविता भी लिखते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1916 में भाई परमानंद को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा घोषित हुई। बाद में उसे आजीवन कारावास में बदलकर उन्हें काले पानी अंडमान भेज दिया गया। इस घटना को सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे ब्रिटिश शासन से इस अन्याय का बदला अवश्य लेंगे। इसके बाद वे अपने जैसे विचार वाले लोगों की तलाश में जुट गए। लखनऊ में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। मैनपुरी को केंद्र बनाकर उन्होंने प्रख्यात क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित के साथ गतिविधियां शुरू की। जब पुलिस ने पकड़ धड़क शुरू की तो वे फरार हो गए। कुछ समय बाद शासन ने वारंट वापस ले लिया, अतः ये घर आकर रेशम का व्यापार करने लगे। पर इनका मन तो वहीं ओर लगा था। उनकी दिलेरी सूझबूझ देखकर क्रांतिकारी दल ने उन्हें अपने कार्य दल का प्रमुख बना दिया। क्रांतिकारी दल को शस्त्रास्त्र मंगाने तथा अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, अतः बिस्मिल जी ने ब्रिटिश खजाना लूटने का सुझाव रखा। यह बहुत खतरनाक काम था, पर जो डर जाए वह क्रांतिकारी ही कैसा। पूरी योजना बना ली गई और इसके लिए 9 अगस्त 1925 की तिथि निश्चित हुई। निर्धारित तिथि पर 10 विश्वस्त्र साथियों के साथ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने लखनऊ से खजाना लेकर जाने वाली रेल को काकोरी स्टेशन से पूर्व दशहरी गांव के पास चेन खींचकर रोक लिया। गाड़ी रुकते ही सभी साथी अपने अपने काम में लग गए। रेल के चालक तथा गार्ड को पिस्तौल दिखाकर चुप करा दिया गया। सभी यात्रियों को भी गोली चलाकर अंदर ही रहने को बाध्य किया गया। कुछ साथियों ने खजाने वाले बक्से को घन और हथौड़े से तोड़ दिया और उसमें रखा सरकारी खजाना लेकर सब फरार हो गए। परंतु आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर इस पराक्रम के सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। रामप्रसाद जी को गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया। वे वहां फांसी वाले दिन तक मस्त रहे। अपना नित्य का व्यायाम, पूजा, संध्या वंदन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला को फैजाबाद तथा रोशन सिंह को प्रयाग में फांसी दे दी गई। भारत माता की जय।